बिहार में मुस्लिम सियासत ने कितनी बार करवट ली है, अब ओवैसी के रास्ते में पीके भी निकल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब सबकी नज़र कहीं टिकी हुई है तो वो है बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव। 2025 में संभवतः बिहार विधानसभा चुनाव होने को है। अब इसे लेकर तमाम दलों की तरफ से तमाम राजनीतिक जो नेता हैं वो अपने अपनी सियासी कुर्सी चमकाने में लग चुके हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ ओवैसी लगातार बिहार में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसे लेकर वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, अब उसी ओवैसी के नक्शे कदम पर प्रशांत किशोर भी चलना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में पीके का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम आबादी की संख्या पर ही बिहार में विधानसभा के टिकटों का बंटवारा होना चाहिए और उनके आबादी की संख्या पर ही टिकट मुस्लिमों को भी मिलने चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से ज़्यादा का वक्त बचा है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव से अब से ही बीजेपी से लेकर आरजेडी और अन्य दल अपने अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। वहीं चुनावी रणनीतिकार से सियासी पीच पर उतरने वाले प्रशांत किशोर ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। पीके गांधी जयंती पर अपनी पार्टी की घोषणा उन्होंने की थी। प्रशांत किशोर ने सात सूबे की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी के तर्ज पर मुस्लिम राजनीति करने का फैसला किया है। पीके ने कहा है कि वह अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बिहार की कुल 243 सीटों में से 42 विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतार सकते हैं। उनका कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। पीके ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का एजेंडा भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व रहा है, जिसे लेकर बिहार में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कोशिश वो 9 साल से कर रहे हैं। 2020 में सीमांचल के इलाके में ओवैसी को जरूर सफलता मिली, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस गठजोड़ के चलते उसे सियासी बुलंदी नहीं दे सके। अब मुस्लिम वोटों को लेकर प्रशांत किशोर भी सियासी बाजी आजमाना चाहते हैं, तो सीएम नीतीश कुमार भी उन्हें जदयू के साथ जोड़े रखने के लिए हर दाव चल रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी दलों के बीच शह और मात का खेल छिड़ सकता है। इस तरह से बिहार में मुस्लिम सियासत अभी तक कैसी रही है और कितनी प्रभाव रखती है, ये तो भविष्य ही तय करेगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में भले ही एनडीए की जीत हुई है, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, जदयू और तमाम जो दल है, चाहे वो आरजेडी ही क्यों ना हो, लगातार अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने की बिहार में कोशिश कर रहे हैं ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता हाथ लग जाए। अब ऐसे में प्रशांत किशोर, जो कि चुनावी रणनीतिकार थे, वो अब जो है वो राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए, एक तरफ जहां AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो है वो 9 साल से बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता हासिल नहीं लग रही है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर भी ओवैसी के ही नक्शे कदम में चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए। वैसे होगा क्या, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।